अस्सलामुअलैकुम, मैं सजाद अमान, आप देख रहे हैं मान ट्रैवल एंड फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल आइटम। ये आइटम जो है करूद खिचड़ी भी इसको कहते हैं, और इसमें जो आइटम्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते जाएंगे, लेकिन बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो है काबली करूद। इसमें याद रखिएगा कि हमने जो है ना, जो लोकल पंजाब में या पिशावर में जो भी बनता है वो करूद इस्तेमाल नहीं करना। काबली करूद अपना इसका होता है, उसको हमने जो है ना पानी में उसका पेस्ट बनाना है और वो इसमें यूज़ करना है। आए चलते हैं। कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा, ये तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। अच्छा जी, ये अभी फ्राई हो गया है। हमने तकरीबन 2 घंटे पहले ये चावल और मूंग की दाल ये हमने भिगो के रखी थी, ये अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन ये 2 से 2.5 लीटर पानी जो है इसमें गर्म हमने डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। फर्दर जो हम डालेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ी सी हल्दी तकरीबन 1 टेबल स्पून, हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक आप हसबे दरकार डाल सकते हैं, और इसको अभी हम पकने देंगे। अच्छा जी, ये इसको साथ साथ में जो है इसको हमने ये साथ साथ में मिक्सअप भी करना है, इसलिए कि नीचे से लग ना जाए। ये स्टिल थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट अभी तैयार है, तो इसको अभी हमने क्या करना है, धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है। अच्छा, हमने अभी ये 4 से 5 टेबल स्पून तकरीबन यहाँ पे अपने अंदाजे के तड़का लगाने के लिए ये ऑयल, कुकिंग ऑयल गर्म करना है, उसमें प्याज को फ्राई करना है। अच्छा, ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा हमने तेल ज़्यादा करना है, इसलिए कि तड़का हमने जो करूद है उसके लिए भी करना है। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए, बिल्कुल जलाने नहीं हैं, इसलिए कि ये हमने गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करना है। ये हमारे लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी फर्दर भी हमने इसको पकाना है, थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाए। ये हमने जायके के लिए 2-4 दाने लौंग भी इसमें डाल लिए। प्याज हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है, अभी इसको हमने इसमें डालना है बर्तन में। खुले बर्तन में आपको इस आपको इसको डालना होगा। इसके बीच में आपने ये इसरा खड्डा कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन इस पे स्पेस बनानी है आपने। ये जो हमने क्रूत पिघलाया था, देखें उसका एक ये पेस्ट हमने बना लिया। क्रूत अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके दरमियान में हमने इसका डाल देना।
और इसका जो ये थोड़ा सा आपने साइड में भी डाल लेना है। लास्ट स्टेप अब जो है, ये जो आप हमने प्याज भरा का इसका तेल जो है ना, इसके दरमियान में हमने डालना है। और जो प्याज है इसको हमने स्प्रेड ओवर करना है। तो ये है हमारी क्रूद खिचड़ी। तो अभी देखते हैं इसका चस्का। अभी हमने बना तो लिया है, लेकिन इसका अभी इसका चस्का देखें। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास काबली क्रूद अवेलेबल नहीं है, जिस तरह कि मतलब ये कि ये मोस्टली मिलता है ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे, लेकिन इन केस अगर आपके पास मतलब आपको नहीं मिलता, तो आप इसकी जगह दही ले लें। दही में जो है ना दो तीन फलियाँ या जो क्लॉथ्स हैं वो जो है ना मतलब ये कि लहसुन की डाल लें, उसको अच्छी तरह पेंट लें, वो भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका। अच्छा, इसका ट्रेडिशनल जो तरीका है वो तो ये है कि इसी, ये तो हमने छोटा सा डिश लिया, लेकिन इसी तरफ जो बड़ा मतलब एक थाल होती है उसमें मिल के खाते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी थोड़ा सा अलग से ही खा लेते हैं। तो थोड़ी सी मैंने ये खिचड़ी ली और उसमें थोड़ा सा ये, तो अभी इसका चस्का देखते हैं। देखें इसमें ये प्याज और ये ऑयल जो हमने तड़का दिया था ऑयल का, वो काफ़ी अच्छा जो है ना मिक्सचर एक बन गया है। अब देखते हैं इसका चस्का कि कैसा है। ज़बरदस्त ये डिश, अल्लाह मेरी वालदा को मफ़रत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। ये वो हमारी बनाती थी जब हम छोटे होते थे। आज बहुत ही मेमोरीज खुरेद खुरेद के जो है ना मतलब एक जगह से पूछ के दूसरे जगह से पूछ के, और बहुत डर डर के ये चीज़ बनाई मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह के जायके के अतबार से बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद है आप ट्राई करेंगे और इसको ख़ुद भी मतलब ये कि अपने घर में ट्राई करके बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि कैसे बनी, अच्छी बनी या नहीं बनी। तो मस्ट ट्राई इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाजमी जो है ना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और दूसरी ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।